राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 47 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 365 हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा रविवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। इस दौरान किसी को कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 14,40,118 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से कुल 14,14,662 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से कुल 25,091 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 56,904 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इस दौरान 17,191 लोगों को पहली जबकि 39,713 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कुल 2,06,75,735 डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 1,31,21,772 पहली डोज जबकि 75,53,963 दूसरी डोज लगाई गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।